हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम जानवी। वेलकम टू माय चैनल जानवी डिवाइन हीलिंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। आप सभी को मैं एंजल थेरेपी का बेसिक कोर्स करवा रही हूँ और मैंने इसके काफी वीडियो अपलोड कर दिए हैं कोर्स से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखे फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं। और जिन्होंने भी मुझे कहा है कि मैम इसकी प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो मैं जरूर बनाऊंगी। पहले मैं ये सारा कोर्स कंप्लीट कर दूं तो मैं जरूर ये बनाऊंगी। और कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करें कि मैम इन्हें कैसे, हमें एंजल्स को बुलाना होता है, इनकी क्या प्रेयर होती है, क्या मेडिटेशन होता है। तो जी हाँ, मैं आपके लिए बहुत जल्दी हेल्प करूंगी। आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी। आपको जिस आर्क एंजल्स की प्रेयर चाहिए आपको वो सब इंस्टाग्राम पर मैं आपको दे दूंगी। जिसको भी प्रेयर चाहिए, जैसी भी चाहिए, जिस आर्क एंजल से रिलेटेड चाहिए, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे जरूर दे दूंगी। और मेडिटेशन एक पावरफुल एंजेलिक मेडिटेशन है जो आपको करना होता है। आर्क एंजल से कनेक्ट होने के लिए हमें कोई अटेनमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बस आप इस पावरफुल मेडिटेशन को विजुलाइज करके आप इसे अटेंड करिएगा। मैं मेडिटेशन जरूर अपलोड करूंगी वीडियो बनाकर। तो जैसा जैसा उसमें बोला जा रहा है आप उसको लेकर तब आप उस मेडिटेशन को अटेंड करिएगा, तो आप सारी 15 एंजल से कनेक्ट हो जाएंगे। और जब आप इस मेडिटेशन के द्वारा एंजल से स्ट्रांगली कनेक्शन में आ जाएंगे, तब आप कोई सी भी एंजल्स के को लेकर जो भी आपको इश्यू है उस एंजल्स को आप बुलाकर इन्वोक करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपकी कोई विश हो तो उसको भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो वो मैं जल्दी मेडिटेशन, पावरफुल एंजेलिक मेडिटेशन लाने वाली हूं। और जिन्हें भी प्रेयर चाहिए इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिए और मैसेज करिए वहां पे, तो मैं जरूर आपको प्रेयर दे दूंगी। तो चलिए फ्रेंड, आज हम जानते हैं हमारी सेकंड आर्क एंजल्स एज्रेल के बारे में। आज हम आर्क एंजल एज्रेल के बारे में बात करेंगे। इसका नाम होता है एज्रेल होलो कलर। होलो मीन्स ओरा, इसका होलो कलर इनका होता है क्रीमी व्हाइट, मिल्की व्हाइट भी बोल सकते हैं। एकदम ब्राइट क्रीमी व्हाइट कलर की होती हैं ये, बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं, डिवाइन लाइट, प्योर लाइट होती हैं। और अगर हम इनका क्रिस्टल जाने कि इनको क्रिस्टल कौन सा अच्छा लगता है, किस क्रिस्टल से ये जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, तो इनका क्रिस्टल होता है येलो केल्साइट। और क्रिस्टल को आप रॉ फॉर्म में भी मंगवा सकते हैं और टंबल्स में भी मंगवा सकते हैं और हाथ में लेके इन्हें इन्वोक कर सकते हैं। तो ये क्रिस्टल से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, तो ये वाला क्रिस्टल इनको बहुत प्रिय होता है, येलो केल्साइट। और अगर इनका एसेंशियल ऑयल के बारे में जाने तो इन्हें केम्फर पसंद आता है। केम्फर को आप लैम्प में, फ्यूजन में जला सकते हैं, तब ये बहुत जल्दी एज्रेल जो आर्क एंजल्स होती है वो अट्रैक्ट होती हैं और बहुत जल्दी हमारी हेल्प करती हैं। अब हम जान लेते हैं कि आर्क एंजल्स एज्रेल कौन कौन से इशू में हमारी हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले है ग्रिफ काउंसलिंग। ग्रिफ काउंसलिंग मीन्स कि दुख, पीड़ा, बहुत ज्यादा कभी हमें लाइफ में दुख आ जाता है जिससे हम संभल नहीं पाते हैं और हम बहुत ज्यादा दुखी आ जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, उस दुख में हम बहुत ज्यादा अंदर चले जाते हैं। तो उस दुख से, उस पीड़ा से निकलने के लिए आप आर्क एंजल एज्रेल की मदद ले सकते हैं। अब दुख, वो दुख पीड़ा जो होता है बहुत ज्यादा वाला, कोई आपका लव वंस, कोई नियर वंस आपका चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या वो चला जाता है और आप उसके लिए बहुत ही दुखी हो जाते हो, वो पीड़ा आपका निकल नहीं पाता है, तो उसको रिलीज, ग्रीफ को रिलीज करने के लिए, उस पीड़ा को रिलीज करने के लिए आप आर्क एंजल एज्रेल की मदद ले सकते हो। और कभी कभी ये दुख दर्द कोई दूसरी चीज से भी होता है कि जैसे आपको कोई ऐसा लॉस हो गया है और उस वो पीड़ा आपको बहुत हो रही है और आप उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पा रहे, उसे रिलीज नहीं कर पा रहे, तब भी आप आर्क एंजल एज्रेल की मदद ले सकते। तो कहने का मतलब है जिंदगी में जब बहुत ज्यादा दुख आ जाता है या किसी की डेथ होती है तो वो एकदम तड़पता है, उसका शरीर, वो उसकी जो आत्मा है वो छोड़ नहीं पाती है, वो एकदम से इजीली उसकी मृत्यु नहीं हो पाती है और सारे जो फैमिली मेंबर है वो भी दुखी हो जाते हैं। तो उनकी हीलिंग के लिए भी आप आर्क एंजल्स एज्रेल की मदद ले सकते हैं ताकि वो
चारों तरफ नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी लेकर आएं, वो सामने वाले व्यक्ति की भी हीलिंग करें और जो आसपास फैमिली मेंबर हैं उनकी भी हीलिंग करें। और जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी, अब नेगेटिविटी तो बहुत तरीके की होती है, चाहे वो नजर लगना, चाहे ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को हटाने के लिए भी आर्कएंजल एज़राइल की आप हेल्प ले सकते हो। और आगे हम देखें तो जब हमारी कुंडली में बताया जाता है कि पितृ दोष है, हमारे पितरों की वजह से हमें लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तब भी आप पितरों से कनेक्ट होकर उनसे माफी मांग के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो आर्क एंजल इज़राइल से हेल्प लेके। और जब हम आगे जाने और स्पिरिचुअल जर्नी में भी, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब क्या होता है कि हमारी जर्नी क्या है, हम धरती पर क्यों आए, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमें क्या करना था धरती पर आके, जो हम भूल चुके, तब आप आर्कएंजल इज़राइल की मदद ले सकते हैं। और हमारे गाइड कौन है, हमारे स्पिरिट गाइड कौन है, हमारे क्रिएटर कौन है, गॉड कौन है, हमारे जो मास्टर हैं स्पिरिचुअल मास्टर, उनसे कनेक्शन के लिए हम आर्कएंजल इज़राइल की मदद ले सकते हैं। स्पिरिचुअल हमारी ग्रोथ करने के लिए भी आर्कएंजल्स इज़राइल की हम हेल्प ले सकते हैं और हमारा लाइफ पर्पस भी हम जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने आर्कएंजल इज़राइल के बारे में जाना कि वो किस किस इशू में आकर हमारी हेल्प करती है और हमें इनसे कैसे कनेक्शन बनाना होता है। सिंपल प्रेयर करनी होती है, कोई लॉजिक नहीं लगाना होता है, जो दिल से आपकी प्रेयर निकल रही है आप इनका नाम लेके अपनी हेल्प ले सकते हो। और अगर आपको प्रेयर चाहिए तो मैं इंस्टा पे आपको प्रेयर भी दूंगी जो कि इंग्लिश में होती है, आप उसे हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आर्कएंजल इज़राइल से आप अपनी हेल्प ले सकते हो इन्वोक करके। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट फिर आर्कएंजल के बारे में जानेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और सभी आर्कएंजल से स्ट्रांगली फीलिंग के साथ कनेक्शन बनाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और अपनी हर विश को मैनिफेस्ट करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।